लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं, ठीक है कि आमीन। आपको थोड़ी सी बात याद आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज ये आपके फेवर में है ये बात, ठीक है। अब देखते जाइएगा, ठीक है, कि क्या है और कैसे है, ठीक है। प्लीज यार जल्दी जल्दी ऑनलाइन हो जाए जितने भी स्टूडेंट्स हो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि यार ये अगर मैं आपको नोट्स भी देता हूँ और आपको समझ नहीं आगे, अस्सलाम ये जो है ना आपको वैसे समझ नहीं आएंगे, तो बेहतर ये होता है कि इसके लिए बंदा जो है ना ऑनलाइन क्लासेस ले लें, ठीक है। तब आपको ये फॉरएवर काम आएंगे, ये सिर्फ आपके इस पेपर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, आपकी लाइफ भर का हिस्सा है, ठीक है। मोस्टली मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर हम कमीशन करना चाहते हैं, तो कमीशन में सबसे पहला पेपर जो आपके इंग्लिश इंग्लिश का होता है वो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, जबकि होते यही चीज है, होती यही चीजें हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें यार कि सारे के सारे, ठीक है, प्लीज शेयर मी द फुल नोट्स ऑफ दी। अच्छा, ये आपने नोटिस लिखा हुआ है, नोट्स एनओटी, ठीक है, कॉपी इन शॉर्ट फॉर्म। ये अच्छा, ये आमिर साहब प्लीज, मैंने आमिर 99 तेरा दफा आमिर, ठीक है यार प्लीज, ये आप कोशिश करके मुझे जो है ना व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, ठीक है। मुझे याद रहेगा क्योंकि क्लास के दौरान जो मुझे भी जस्ट मिनट में लिख लेता हूँ, डबल ए माई आर 99 एट हॉटमेल, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको कर देता हूँ, आई यू नीड नॉट टू वरी, जैसे क्लास खत्म होती है इंशाल्लाह मैं सब मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, यानी हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कन्वर्जन यूज करते हैं। अगर आप में से किसी ने भी सीएसएस या पीएमएस करना हो, ठीक है, तो वहां पर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्लियर, पेपर में तो ये आता ही 5 नंबर का है, ठीक है। यानी देखिएगा द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मैंने पहले भी सिर्फ डायरेक्ट स्पीच की बात आपको समझाई थी, ये वाला पोर्शन सिर्फ समझाया था, इसके बाद आगे मैंने किया, क्लियर। और आज भी जो है ना हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, इंशाल्लाह अगर आपको डायरेक्ट स्पीच की समझ आती है ना, आप इनडायरेक्ट में खुद चेंज कर सकोगे, क्लियर। मतलब देखिएगा, रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स, ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच है ना, ठीक है, इसके कितने पार्ट्स है, इट हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स, नंबर 1 इज रिपोर्टिंग स्पीच, पहले को रिपोर्ट, और यही रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले इसे को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें 2 अहम चीजें हैं, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, इसमें 2 चीजें हैं, एक को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्लियर है। यानी द रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच आई मीन इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का पहला हिस्सा होता है एंड इट हैज सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और ये याद रखना यार, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, मैं हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, क्लियर। मतलब ही सेड टू मी, देखिए दूसरा हिस्सा मैंने खाली छोड़ा है, सिर्फ लाइन लगी हुई है, क्लियर। ही सेड टू मी ही इज द सब्जेक्ट, मी इज द ऑब्जेक्ट, क्लियर। ही सेड टू मी दिस इज द रिपोर्टिंग स्पीच, दिस इज द रिपोर्टिंग स्पीच एंड हियर यू सी दैट ही इज द सब्जेक्ट एंड दिस मी इज द ऑब्जेक्ट, यस। यहाँ पर जो स्टार्ट में आता है वो ही कहलाता है, जो आखिर में आता है वो मी कहलाता है। शी सेड टू मी, कॉमन वर्ड का मस्ट बिगिन, ठीक है, इसके बाद जो है फॉर एग्जांपल ये खाली छोड़ा, शी सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा, शी इज द सब्जेक्ट, मी इज द ऑब्जेक्ट, क्लियर। दे सेड टू हिम, यहाँ पर जो है दे सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट। अहमद सेड टू हिम, अहमद ने उसको कहा, अहमद इज द सब्जेक्ट, हिम इज द ऑब्जेक्ट, क्लियर हो रही है। बाजू का इस तरह भी होता है, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अहमद सेड टू सलीम, अहमद ने सलीम को कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, ठीक है, यानी इनवर्टेड कॉमास, ठीक है, पर इसके बाद जो है ना हम फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कि देखिए दोनों जो है ना आई मीन नाउन है, अहमद भी नाउन है, समझ आ गए, और सलीम भी नाउन है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताना ये है, ठीक है, कि यहाँ पर जो पहले आएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा और जो आखिर में आता है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्लियर। सो रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें है, वन इज द सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज द ऑब्जेक्ट, क्लियर। द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच, दूसरे हिस्से को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, दूसरे हिस्से को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट हैज पर्सन, यानी ये क्या है, यानी इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस,
ये सेंटेंस का क्या क्या है, यानी इट इज सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का सेकंड पार्ट, सेंटेंस का क्या है ये सेकंड पार्ट है, ठीक है एन, ठीक है ये सेंटेंस का सेकंड पार्ट, एंड इट हैज द पर्संस, और इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन, इसमें क्या होता है पर्संस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ, देखिएगा अगर मैं इस अंदाज से कह देता हूँ, ठीक है यू सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू, अब देखिए जो मैंने रेड लिखा हुआ है आई एम हेल्पिंग यू, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है ये क्या है, ये बेसिकली ये रिपोर्टेड स्पीच है और इसमें पर्सन है, देखो ये जो आई है ये भी एक पर्सन है, जो आई है ये भी एक पर्सन है, समझ आ गया आपको बात, ठीक है, और ये जो यू है ये भी एक पर्सन है, आपको बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही, क्लियर, या ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, He said to me, you are my friend. You are my friend. ये जो है ना ये reported speech है और इसमें person है. For example, लिखिएगा you जो है ये भी person है जो मैं underline कर रहा हूँ. My जो है ये भी एक person है. My जो है ये भी क्या है? ये भी एक person है. यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? ठीक है. इसके बारे में he said to me, my parents will talk. He said to me, ठीक है. My parents will talk to you and to them. यहाँ पर देखिएगा my parents, ये जो my है ये भी पर्सन है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है, विल टॉक टू यू, ये जो है ना ये यू जो है ये भी पर्सन है, एंड टू देम, और ये जो देम है ना, ठीक है ये भी पर्सन है, आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच, क्लियर, यानी इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का सेकंड पार्ट कहलाता है, एंड इट इज पर्सन, और इनमें पर्सन, इसमें क्या होता है, इनमें पर्सन होते हैं, आपको बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये मैंने लिखा हुआ है कि जो persons है, the persons are three in number, persons basically कितने होते हैं, persons are three, persons basically कितने कहलाते हैं, यानी the persons are three in number, persons तीन है, person basically क्या है, the persons are three in number, जो मैंने persons की बात की, जो मैंने underline भी कर दी है, ये तीन है, या three in number, number one, नंबर वन को हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल देखिएगा आई एंड वी, नंबर वन क्या है, फॉर एग्जांपल देखिएगा यानी नंबर वन आई एंड वी, यानी नंबर वन क्या है, आई एंड वी है आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी को हम क्या कहते हैं, आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, दीज आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज, कैसे चेंज होंगे, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के जो है ना सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज, आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैंने आपको पहली बात बताई थी ना कि देखिए आपने रिपोर्टिंग स्पीच को याद रखना है जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वन इज द सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज द ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया आपको, अब जो पर्संस हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, जिसको आई मीन सेंटेंस का दूसरा हिस्सा क्लियर, अब पर्सन जो है द पर्संस आर थ्री इन नंबर, पर्संस क्या है, पर्सन बेसिकली तीन, पर्संस आर थ्री इन नंबर, पर्सन बेसिकली तीन है, नंबर वन इज द फर्स्ट पर्सन, पहले को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है, यानी पहले को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और वो कौन कौन से, आई एंड वी, आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, एंड दीज आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और जब भी आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये आई और वी जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट मुताबिक चेंज, मसलन यहाँ पर आप देखिएगा ये मैंने एक दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ठीक है, यानी ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अब देखो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इस एग्जाम्पल आपको इस किस्म का देगा, फिर आपने इनडायरेक्ट में चेंज, अब देखिए यहाँ पर जो आई है जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, चलो मैं इसको अंडरलाइन भी कर लेता हूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए आई एम रीडिंग अ बुक, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, और सब्जेक्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी, यहाँ पर ये जो ही है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, जो ही है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, आपको बात समझ आ रही है, ठीक है, तो ये जो आई है ये इसके साथ चेंज हो जाएगा, जो आई है, ठीक है, ये किस किसके साथ चेंज हो जाएगा, इसके साथ चेंज हो जाएगा, अब देखिएगा he said to me that he was reading a book, अब देखो आई को हमने किस में चेंज कर दिया, ही में, क्योंकि मैंने आपको बात बताया ना कि आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा, और सब्जेक्ट ही है, he said to me that he was reading a book, यानी प्रेजेंट टेंस जो होता है वो पास्ट में चेंज हो जाता है,
मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? The first person I has been changed with the subject he, आपकी रिपोर्टेंस पेज इवन डिटेल भी लिख लिया आपको यहाँ पर, ठीक है? कि I जो है वो क्या है, ये first person, I क्या है, ये first person, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है? I जो है first person है और ये आई मीन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक सेंडर। सर इधर वाज क्यों लिखा, अभी मैंने आपको बात बताया ना, ठीक है? ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। यानी कि बात समझ आ रही है? आप यहां पर फिलहाल पर्सन को अंडरस्टैंड करें, ये जो प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया, इसके नीचे एक स्लाइड आने वाली है, वो आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ में आपको समझ आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने सब्जेक्ट ही के साथ चेंज कर दिया। यहां तक बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, प्रेजेंट टेंस जो है वो हमेशा पास्ट में चेंज है, क्लियर हो गया? यानी द फर्स्ट पर्सन आई हैज बीन चेंज विद द सब्जेक्ट ही ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। प्लीज एक मिनट के लिए एक स्लाइड को पढ़ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और आपको और पर्सन की समझ आ जाए, ठीक है? यस प्लीज, समझ आ रही है, ठीक है? प्लीज यस और नो में अगर हो सके तो कोई जवाब दे दिया कर। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी प्लीज बोले। सर क्वेश्चन ये है कि सर रिपोर्टिंग स्पीच में जैसे सर आपने नीचे लिखा है कि ही सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू, सर यहाँ दैट का सर इजाफा नहीं होगा, ही सेड टू मी दैट आई एम हेल्पिंग यू? नहीं नहीं नहीं, जब आप देखें डायरेक्ट सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तब दैट लगेगा, और यहाँ आपको नजर आ रहा होगा मैंने कॉमे लगाए हुए, इस कॉमे का मतलब यह है कि ये डायरेक्ट स्पीच है, और डायरेक्ट स्पीच में कॉमेज होते हैं उसमें दैट नहीं होता। और जब मैंने ये एग्जांपल आपको दे दी, ठीक है, ये एग्जांपल ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक, अब ये देखो डायरेक्ट सेंटेंस है, मैंने देखो कॉमे लगाए हुए हैं, समझ आ रही है आपको बात? जब मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा हूँ, ही सेड टू मी दैट, ये देखो मैंने यहाँ पर दैट लगाया हुआ है, नजर आ रहा है दैट, ठीक है? जी सर, ठीक है, ये देखो मैंने इसको डिफरेंट कलर में कर दिया, ठीक है? ये दैट जो है ना इसने कॉमास को खत्म कर दिया, क्लियर हो गया आपको, ठीक है? ओके ओके सर, कंफ्यूजन मेरा ये था, मैंने कहा सर शायद सर रिपोर्टिंग स्पीच में सर हम डायरेक्ट और दैट इस्तेमाल नहीं करते हैं शायद सर। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यानी डायरेक्ट स्पीच में हम दैट इस्तेमाल नहीं करते। और प्लीज मुझे बताइएगा आप कहां से बिलोंग करते हो? सर मैं कराची से। अच्छा, और आप बेसिकली आप उर्दू स्पीकर हो या आप सिंधी स्पीकर हो? सर मैं बलोची हूँ। अच्छा अच्छा, तभी मुझे यूँ लग रहा है जैसे आप पश्तो स्पीकर हो, ठीक है? जी नहीं सर, मैं बलोची। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है? एनी हाउ, समझ आ गई आपको अभी बात, ठीक है? जी सर, अब समझ में आ गई। ओके, अब देखिएगा हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बात बताई ना, ठीक है, कि एक मिनट यार सर, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस कंप्लीट करो यार, ये तो हो गया ना एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस यार, ठीक है, ये तो सारे कंप्लीट हो गए, मैं पीछे जाऊंगा तो सही रिवीजन में जब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? किसी को बिल्कुल कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बेशक कॉल कर लिया करें, ठीक है? कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपकी सारी बातें सुनता रहूंगा, ठीक है? अब देखिएगा, मैंने आपको बात बताई ना कि आई और वी फर्स्ट पर्सन, मैंने आई की तो एग्जाम्पल दे दी है, अब आप देख लीजिएगा ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना आपको वी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी नंबर टू एग्जाम्पल है, दे सेड टू मी वी आर गोइंग होम। अब देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी डायरेक्ट सेंटेंस है, मैंने ये देखिए कॉमास लगाया हुआ, कॉमा ये भी लगाया हुआ और आखिर में भी लगा, नजर आ रहा है आपको प्लीज, ठीक है? अब देखिएगा दे सेड टू मी दैट, अब देखो वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, और सब्जेक्ट यहां पर क्या है, सब्जेक्ट यहां पर दे है, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, दे है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है? तो ये जो वी है ये दे के साथ चेंज हो जाएगा, सो दे सेड टू मी दैट दे वर गोइंग होम, क्लियर? कॉमर्स को मैंने डेट से खत्म कर दिया और वी को हमने दे के साथ चेंज कर लिया, और प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है, या इनडायरेक्ट बन गया। यस, एक दफा पढ़ लीजिएगा, द फर्स्ट पर्सन वी हैज बीन चेंज विद द सब्जेक्ट दे ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यस, मैं आपके चैट पढ़ता हूँ, ठीक है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, ओ यार मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है? ये साथ साहब, ठीक है, ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी करवाए हुए हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस के भी करवाए हुए हैं, और फ्यूचर, अच्छा ये सारी सारी परफेक्ट की बात कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनके जो है इनके पैसिव वॉइस से नहीं बनते हो, तभी मैंने छोड़ दिया, क्लियर?
यस प्लीज, ये सेकंड एग्जांपल आपने देख ली है, ठीक है सर, ये वर्ड दोबारा रिपीट कर दो सर, क्या क्या कह रहे हैं सर आप? मैं कह रहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनके पैसिव, इनके पैसिव वॉइस से नहीं बनते, इनके पैसिव वॉइस से नहीं बनते। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम। ठीक है, अब देखो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया है, दे सेड टू मी वी आर गोइंग होम, उन्होंने कहा कि हम घर जा रहे हैं। देखो ये डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट सेंटेंस, इसी जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, दे सेड टू मी दैट दे वर गोइंग होम, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है, वो दे के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, द दे वर गोइंग होम, द फर्स्ट पर्सन वी हैज बीन चेंज्ड विद द सब्जेक्ट दे ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है यार, बस अभी चैट फिलहाल बंद करें ना यार, ठीक है यार, मैंने फ्यूचर भी पढ़ाया हुआ है, चलो मैं दोबारा पढ़ा लेता हूँ। अभी फिलहाल आप ना चैट प्लीज छोड़ दीजिएगा, अभी आप डायरेक्ट पढ़ दीजिएगा, फिर हम दोबारा मैं आपका एक क्लास पैसे सारे पढ़ा लेता हूँ, समझा? योर फ्रेंड यार, इस पर बात नहीं, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप हाँ इस तरीके से हम बार बार करेंगे तो वो जो ना सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। यानी आओ, यानी फर्स्ट पर्सन की समझ आ गए आपको, क्योंकि डायरेक्ट इंडायरेक्ट थोड़ी सी मुश्किल है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं और ये हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ये मैंने दो एग्जांपल दे दी, देखिए एग्जांपल वन एंड एग्जांपल टू, मैंने इसके साथ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप एक दफा ये पढ़ लीजिएगा, फिर हम सेकेंड पर्सन की तरफ जाते हैं। देखिए आप इस तरीके से लेट ज्वाइनिंग कर रहे हो, हर क्लिक के साथ मुझे किसी को एडमिट करना पड़ता है यार, तो आपको कैसे समझ आएगा यार, मुझे भी बार बार पीछे लेकर जाते हो, ठीक है, मुश्किल हो जाता है। यस प्लीज, इसको जो है ना आप प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा, फिर जो है हम आगे सेकंड पर्सन की तरफ जाते हैं। अगर आपको फर्स्ट पर्सन की समझ आ गई, इट मींस मैं सेकंड की भी समझ आ गए, बिकॉज मेथड एक जैसा होता है, सिर्फ जो है फॉर एग्जांपल पर्सन का नाम चेंज हो जाता है, ठीक है, तो आप प्लीज इसको जो है ना वो कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर हम सेकंड की तरफ जाते हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर मेरा। जी, क्वेश्चन पूछो प्लीज। सर ऊपर जो फर्स्ट पर्सन में ही सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक, डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त ही सेड टू मी दैट ही इज रीडिंग ए बुक नहीं होता सर, ही वाज रीडिंग, इसका टेक्निकल थोड़ा हमें समझा दें सर क्या? हां, मैंने आपको बात बताई ना कि सिंपल फिलहाल इस पॉइंट पे यहाँ इतना सुन लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में ना जाइएगा, चूंकि डिटेल नीचे आ रहे हैं, ठीक है। yes. जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, यानी चाहे इज है, एम है, आर है, ये प्रेजेंट क्या है, तो इसको जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट में या तो इसकी जगह वाज लग जाएगा, और अगर प्लूरल है तो वर लग जाएगा। ओके, इट मींस दिस द टेक्निकल पॉइंट। हाँ, इट्स ए टेक्निकल पॉइंट कि प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा। मैं अभी इस वक्त इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि इस वक्त मैं पर्सन समझा रहा हूँ, नीचे स्लाइड्स में टेंसेस के बारे में डिटेल आ रहे हैं। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। अच्छा अभी देखें, आपने फर्स्ट पर्सन को समझ लिया, अब मैं जा रहा हूँ सेकेंड पर्सन की तरफ, जहां मैंने कर्सर रखा हुआ है थोड़ा सा मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ऐसी बात है। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, यू जो है वो सेकेंड पर्सन कहलाता है, यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी थे और सेकंड पर्सन जो है ना वो यू है, यू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, एंड इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। और मैंने आपको बात बताई थी ना कि देखो रिपोर्टिंग स्पीच में दो अहम चीजें होती है, एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, याद है आपको, कि मैं बार बार कहता होता था कि इनको आपने याद करना, पर यानी यू जो है, ठीक है, यानी यू सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और वो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ जहां पर मैंने कर्सर रखा, ठीक है, उसके मुताबिक आप चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। ये देखिए जो डायरेक्ट स्पीच है, पहला एग्जांपल है, मैं इसके साथ वन लिख लेता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए, ये पहला एग्जांपल है और ये इसके साथ ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, ये देखिए देख लीजिएगा, मैं ये देखिएगा, He said to me, उसने मुझे कहा, He said to me, उसने मुझे कहा, You are reading well, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, समझ आ गया आपको, ठीक है, यानी He said to me, You are reading well, अब देखिए ये जो you है, You are reading well, ये reporting speech है, sorry, reported speech है, clear, इसमें you second person है जो दिया हुआ है,
और यू जो है सेकंड पर्सन है वो किसके मुताबिक चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, किसके मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और रिपोर्टिंग स्पीच में ही सेट टू मी, ये जो मी है ना यही ऑब्जेक्ट है। आपको बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। यानी ही सेट टू मी, ये मी जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस आई को आप किसके मुताबिक चेंज करोगे, मी के साथ चेंज करोगे। और याद रखना, याद देखिए मैं ब्रैकेट में आगे लिख रहा हूं कि मी जो है ये किससे, किसका बना हुआ होता है, मी जो है ये किसका बना हुआ होता है, ये आई का बना हुआ, किसका बना हुआ होता है, आई का बना हुआ, आई का। समझा गया, ये मी जो है किससे बना हुआ होता है, आई से बना हुआ होता है। नजर आ रही है जो मैंने बात लिख ली है, ठीक है। यानी ही सेड टू मी यू आर रीडिंग वेल। अब देखिए ही सेड टू मी दैट, इस यू को जब आप मी के साथ चेंज करोगे, मी किससे बना हुआ होता है, आई से बना हुआ होता है, आई वॉज रीडिंग वेल। यस, यू को बहुत सेकंड पर्सन को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। अब देखिएगा, ही सेड टू हर, उसने कहा, यानी ही सब्जेक्ट है, हर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये जो हर है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये हर किससे बना हुआ होता है, यार मैं पहले लिख लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। यानी ये जो हर होता है, ठीक है, ये बना होता है ही से। ओह माय गॉडनेस, क्या है, ठीक है, ठीक है। यानी ये जो है हर जो है किससे बना हुआ होता है, शी से बना हुआ, क्लियर। यानी ही सेड टू हर, उसने उसको उनको कहा, यू आर कुकिंग फूड, खाना बना रहे। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और ये किसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, हर है। ऑब्जेक्ट यहां पर मैंने क्या बनाया हुआ, हर बनाया हुआ। ही सेड टू हर दैट शी वाज कुकिंग फूड, क्लियर। यू की जगह हमने क्या लगा लिया, शी लगा लिया, बिकॉज यू सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, हर है। तो हर किससे बना हुआ है, शी से बना हुआ है। ही सेड टू हर दैट शी वाज कुकिंग फूड, यस जी। पर्सन की समझ आ रही है, सेकंड पर्सन की समझ आ गई जी सर, आ गई, ठीक है, ओके, वेरी गुड यार, ठीक है यार, ठीक है। चूंकि इसका समझना बहुत जरूरी है यार, ठीक है। थर्ड एग्जांपल को अगर मैं लिखता हूं, मैं आपके लिए और एग्जांपल लिख लेता हूं। अगर मैं कहता हूं, ठीक, ओह माय गॉडनेस, ये बड़ा मस्त आता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं, फॉर एग्जांपल देखिएगा, ही सेड टू, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। ही सेड टू देम, उसने, यानी अब मैंने देखो प्लूरल कर लिया, ठीक है। ही सेड टू देम कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, ठीक, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, ठीक है, you, ठीक है, you are, ठीक है, listening, you are listening, आप सुन रहे हो, समझा। अब देखिए you कौन सा person है, मैंने आपको बात बताई ना कि ये कौन सा person है, ये जो है second person है, yes। और second person किसके साथ change हो जाएगा, object के साथ। और मैंने यहाँ पर object कौन सा दिया हुआ है, them, जी, नजर आ रहा है, जो मैंने कलर चेंज कर दिया, नजर आ रहा है आपको। He said to them, उसने उनको कहा, you are listening, तुम मेरी बात सुन रहे हो। अगर मैं चलो यू कर लूं, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं इस ही की जगह आई लगा लेता हूं, आई सेड टू देम, मैंने उन लोगों को कहा, यू आर लिस्निंग, तुम सुन रहे हो, समझ आ गया आपको बात। देखे अब देखो यू कौन सा पर्सन है, यू तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। और सेकंड पर्सन जो होता है वो किसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, देम है। और मैं ब्रैकेट में आपको ये पहले से लिखकर दे देता हूं कि देम जो है ये किससे बना होता है, ये दे से बना, दे से बना हुआ, समझ आ रही है, ठीक है। यानी देम जो है वो किससे बना हुआ होता है, दे से बना होता है। अब जब हम इसको पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू देम, कॉमर्स को हमने खत्म कर दिया, दैट से। अब यू को हम चेंज करेंगे किसके साथ, देम के साथ। देम किससे बना हुआ है, दे से बना हुआ है, ठीक है, दैट दे, ठीक है, दे चूंकि प्लूरल है तो वर लगेगा, दे वर लिसनिंग, वो बात सुन रहे थे। अब बोलेगा, नहीं समझ आ रही है अब भी, समझ में आ गई, समझ आ रही है, गुड, वेरी गुड यार, ठीक है, विश कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब ये ठीक है, दिस इज व्हाट, ये एक मिनट किसी की चैट आइए पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा यार, हसन बिन कुदूस, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आई सेड दे वर लिसनिंग, ओ गुड यार, आपने पहले से बना लिया, दिस वंडरफुल यार, साथ वंडरफुल, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये क्या है, ये आई मीन हमने सेकंड पर्सन की एक्सप्लेनेशन दे दी,
ठीक है, किस सेकंड पर्सन, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप प्लीज इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, इतने तक अजाने भी गुजर जाएगी, समझ आ गया आपको, और फिर इसके बाद हम पहले थर्ड पर्सन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद जो है ना आगे हाँ नमाज पढ़ते हैं। सलमान हैदर साहब थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, खुश रहो यार, ठीक है। अब देखिएगा इसको पहले आप मेरे यारों इसको एक दफा रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद हम जाते हैं। आई विश यू आर यू यार कि आप आगे जाकर PMS कर ले, CSS कर ले, समझ आ गया बात, ठीक है। पॉसिबली तुम्हारे पेपर CSS या PMS के मेरे पास आ जाए, मैं भी पैनल मेंबर हूँ यार, ठीक है, जो नहीं बताना चाहिए होता है लेकिन मैंने बता ही दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जाऊं थर्ड पर्सन की तरफ जाऊं, यस चले जाते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन यार बहुत आसान है, थर्ड पर्सन बहुत बहुत आसान है। कौन कौन से है, ही शी इट दे, ठीक है, ही, ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल ही है, शी है, दे है, इट है, और अच्छा बाद वक्त हम इसमें कोई नाम भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है, बाद वक्त एंड नेम, कोई नेम भी आ जाता है, समझ आ गया, ठीक है। बाद वक्त कोई नेम हम लिख लेते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर एक जगह नाम हम लिखे हुए थे, ठीक है। ये जो है ये क्या कहलाते हैं, ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं, दे कॉल द थर्ड पर्सन, इनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। कॉल थर्ड पर, दीज आर नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते, दीज आर नॉट चेंज, यानी थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इनको चेंज नहीं कर सकेंगे, लेकिन याद रखना यार टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, याद रखना टेंस जो है वो क्या होगा, वो चेंज होगा। एग्जामिनर जरूर एक ऐसा थर्ड पर्सन का सेंटेंस देता है जिसमें आपको वो चीट करता है, वो साथ साथ टेंस को भी चेंज नहीं करते, जबकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होंगे, ही रहेगा, शी रहेगा, दे रहेगा, इट रहेगा, नेम रहेगा, लेकिन जो टेंस होगा टेंस चेंज होगा। मसलन देखिएगा, ये एग्जाम्पल देखिएगा, said to me she is cooking food, ये direct sentence। अब देखिएगा ये देखो she कौन सा person है, she a third person, अब ये change नहीं होगा। He said to me that she was cooking food, she वही she रहा, लेकिन इसको मैंने was में change कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बात बताई ना कि tense change होगा, tense में आप कोई जो है ना उसको नहीं छोड़ सकते हो, present past में change हो जाएगा। In other example अगर आप देखते हो, you said to me, आपने मुझे कहा, ठीक है, आपने मुझे कहा, कॉमन वर्टिकल कॉमर्स बिगिन, ही इज गोइंग देयर, वो वहां जा रहा है। अब देखो ही कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन टेंस चेंज होगा, यू सेड टू मी दैट ही वाज गोइंग देयर, याद बात समझ आ गई, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। इन अदर एग्जाम्पल देखिएगा, यू सेड टू मी दे आर कमिंग हियर, यू सेड टू मी उन्होंने कहा, दे आर कमिंग हियर, वो यहां पर आ रहे, समझ आ गया आपको, ठीक है। अब दे जो है ना कौन सा पर्सन है, ये तो थर्ड पर्सन है यार, ये तो चेंज ही नहीं होगा, क्लियर। सो शी सेड टू मी दैट दे वर कमिंग हियर, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, शी सेड इट इज रेनिंग हेयर, इट इज रेनिंग ओवर हेयर, यार ये याद रखना यार, ये लोग सिर्फ हेयर कहते हैं, हेयर कलर अकेले में इस्तेमाल नहीं होता, इसके साथ ओवर भी लगाना पड़ता है, ठीक है। यानी अब देखिएगा, OVER, यस, ठीक है, यानी She said, I mean, ठीक है, she said, common inverted commas begin, it is raining. अब देखो, it जो है, for example, वो क्या है? It's a third person है, वो तो change ही नहीं होगा, ठीक है? So she said that it was raining over here. यहाँ तक बात समझ आ रही? Clear? देखिए, मैंने third person change नहीं किया है, मैंने third person जो है, कोई भी change नहीं किया, third person जो है, मैंने कोई change नहीं किया, लेकिन tense मैंने change कर। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, इनवर्टेड कॉमा बिगिन, फॉर एग्जाम्पल अहमद, ठीक है, इज ईटिंग, अहमद खा रहा, समझ आ गया आपको। अब देखिएगा अहमद क्या है, अहमद तो नहीं है, अहमद इज ए थर्ड पर्सन, क्योंकि नेम जो है ना वो थर्ड पर्सन, तभी क्या होगा जो देखें, ये थर्ड पर्सन जो है वो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यानी ही सेड टू मी, कॉमर्स को हम क्या कर लेते हैं, दैट से चेंज कर लेते हैं, ठीक है, दैट, ठीक है, अहमद, ठीक है, वॉज ईटिंग, अहमद खा रहा, क्लियर। अब देखिएगा जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने
अहमद को चेंज नहीं किया लेकिन इसको मैंने चेंज कर दिया, इस जो है वो टेंस है, ठीक है, और टेंस आपका क्या होगा, वो चेंज होगा। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको बात, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, आप इसको प्लीज रिवाइज करते जाइएगा, समझ आ गया आपको, आपको आई होप कि पर्संस की समझ आ गई होगी कि पर्संस जो है ना कैसे हम चेंज करते हैं। अब हम लेते हैं नमाज ब्रेक, लेकिन पहले शेयर पढ़ लेते हैं, ये सब क्लियर, थैंक यू वेरी मच यार हसन, और आई थिंक डायरेक्ट, और नहीं यार मेरे आसान याद, ठीक है, अगर आपको समझ आ रहे हैं मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन आगे थोड़े से जो है ना वो मुश्किल हो जाएंगे, एग्जाम्पल मैं बड़े आसान आसान देता हूँ, आगे पता चलेगा, लेकिन आसान है, ठीक है, थैंक, परेशान नहीं होने का, परेशान होने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत आसान होंगे तुम्हारे लिए, ठीक है आप, ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, आप इस तरह करें कि आप ये स्लाइड एक दफा पढ़ लीजिएगा, इसके बाद 6:35 का टाइम हो रहा है, लेकिन आजाने हो गई है, 6:45 पर है इंशाल्लाह हम सबकी मुलाकात होगी दोबारा, ठीक है, सो आप प्लीज नमाज पढ़ लीजिएगा, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद जो है ना जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि इसको हमने वाज में कैसे चेंज कर लिया, टेंस कैसे चेंज होते हैं, अब हम ये देखेंगे, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है, नमाज पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है, इसको भी एक दफा आप रीड आउट कीजिएगा, और मैं माइक को जो है ना ऑफ कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपकी बात सुनूंगा, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं कि आगे क्या है, ठीक है, जो जिस तरह बात हो रही थी ना कि आमीन हम टेंस को कैसे चेंज करते हैं, जहां आप पूछ रहे थे ना कि मसलन हमने इसको वाज में कैसे क्यों चेंज किया, ठीक है, तो सिंपल बात तो ये है, सिंपल बात तो ये है, हमेशा याद रखना, ये देखिए मैंने कुछ स्लाइड इस तरीके से बनाए हुए, इंशाल्लाह आपको समझ आएंगे, ठीक है, कि द चेंज ऑफ टेंसेस, अगर डायरेक्ट स्पीच है, यानी टेंस इन डायरेक्ट स्पीच, जो आपके पास डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट आई मीन सेंटेंस होता है, डायरेक्ट नरेशन जिसे कहते हो, ठीक है, जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो वो टेंस इसमें चेंज हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर देखो टेंस इन डायरेक्ट स्पीच एंड टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, मैं देखता हूँ अगर यहाँ कोई लाइन लग सकती है, ठीक है, नहीं लग सकती है, ठीक है, एनी हाउ, ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, ठीक है, एक मिनट इसमें इसको सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरह ले आता हूँ ताकि ये बिल्कुल लाइन पे हो जाए, ठीक है, यस, अब लाइन पे हो जाएगा, ठीक है, यानी कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है डायरेक्ट स्पीच में, जब आप डायरेक्ट नरेशन की बात करते हो, वहां पर कोई बात अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुई है, इट इज चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, तो वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है, क्या तक बात समझ आ रही है, ये मैंने आपको भेजे हुए हैं, आपको बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, ठीक है, इसके बाद है अगर कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, अगर कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इट इज चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो वो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, अगर सिंपल सॉरी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो चेंज हो जाएगा किस चीज में, ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, क्या तक समझ आ रही है, और अगर सिंपल पास्ट है, जिसको फॉर एग्जाम्पल पास्ट इनडेफिनिट टेंस भी कहते हो, यानी सिंपल पास्ट टेंस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, या जिसको आप फॉर एग्जाम्पल पास्ट इनडेफिनिट टेंस भी कह सकते हो, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, चैट आइए किसी की, एक मिनट सुन लेता हूँ यार, ठीक है, जैसे रुके, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज, एक बार समझ आ रही है, एक चीज मैं यहाँ पर और लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना, आपके लिए क्या हो, कंफ्यूजन ना, क्लियर, अगर फॉर एग्जांपल पास्ट परफेक्ट टेंस है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, तो वो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा वो क्या क्या होगा, वो इसी तरह का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, वो नॉट चेंज, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के बाद हमारे पास मजीद कोई टेंस नहीं होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, ठीक है, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, चलो ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है, आई मीन ठीक है, यानी नॉट चेंज, नॉट
not change. हम इसको change नहीं कर करते हैं, ठीक है? Reason is that कि past perfect के बाद हमारे पास कोई मज़ीद कोई tense नहीं होता. इसी तरीके से एक मिनट जिसकी चेट है मैं सुन लेता हूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज, ठीक है? इसी तरीके से अगर past perfect continuous tense, अगर कोई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, अगर कोई फॉर एग्जांपल पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो भी नहीं चेंज होगा, वो भी जो है फॉर एग्जांपल पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही रहेगा. बिकॉज की पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बाद भी हमारे पास कोई टेंस नहीं होते. आपको बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? ठीक है, ये बात आपको यानी इसलिए हमें माइंड में बिठानी पड़ेगी, ठीक है? हमेशा याद रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. आपको ये चीज़ें जो है ना फॉर एग्जांपल माइंड में बिठानी पड़ेगी. एक मिनट में इसकी अलाइनमेंट कर लेता हूँ ताकि वापस अपनी जगह आ जाए. ठीक है, ठीक है. यानी अगर फॉर जी सर, इसमें क्या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनता ही नहीं है? ना ना, इनडायरेक्ट तो बनेगा. यानी पर्सन तो आप चेंज करोगे, पर्सन चेंज करोगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में गेम जो है ना वो किस चीज की है? वो पर्सन की चेंज करने की है. लेकिन यहाँ पर जो है ना यानी पास्ट परफेक्ट टेंस वो पास परफेक्ट की रहेगा. अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह आपको परेशान होने की बात नहीं होगी, ठीक है? और जो इसके बाद पास परफेक्ट कंटीन्यूअस है वो भी जो है ना पास परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही रहेगा, वो भी टेंस चेंज नहीं होगा. ठीक है, मैं अब चैट पढ़ लूं एक मिनट, ठीक है? लेक्चर शेयर कर, जी जी इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगे. फ्यूचर टेंस नहीं होगी इसमें? नहीं, इसमें फ्यूचर टेंस भी होगा. मैं आपको अभी बताने वाला था, ठीक है, कि अब देखिएगा फ्यूचर टेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विल और शैल. क्या इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस में? मैं चलो लिख लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि अभी आपने घर में पढ़ना होगा, ठीक है? जो हमारे पास फ्यूचर होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस में हमारे पास क्या होता है, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं. एक होता है विल होता है और दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, शैल होता है. ये दो बातें होती है, ठीक है. इसको हम जो है ना फॉर एग्जाम्पल चेंज into, इसको हम किस में चेंज करते हैं? सिर्फ ये जो विल है या शेल है इसको हम किस में चेंज करते हैं? वुड में चेंज करते हैं. बस ये जो है ना फॉर एग्जाम्पल किस में हो जाता है, ये आपका फ्यूचर टेंस चेंज हो जाता है. ये एग्जाम्पल जब हम इंशाल्लाह करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएंगे, परेशानी वाली बात नहीं है. सिर्फ यहाँ पर फिलहाल हम रूल्स पढ़ रहे हैं ना, इस वजह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ एक दफा रूल्स को समझ लीजिएगा. ये देखो ये टेंसेस चेंज है, ये जो ना टेंसेस जो है ना चेंज है, ठीक है. टेंस को किस तरीके से चेंज किया जाता है मैंने देखो जो है ना वो कर लिया, हाईलाइट कर दिया. आप इसको एक दफा फिर प्लीज पढ़ लीजिएगा, फिर जब हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ये बातें तुम्हें जो है ना उस वक्त आनी चाहिए, आपके माइंड में चीज बैठ जानी चाहिए, क्लियर? तब जाकर आप क्या कर सकोगे, ठीक है, आप इसको आराम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकोगे. प्लीज एक दफा 5 मिनट्स के लिए प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा प्लीज, ठीक है. Yes, please. हाँ हाँ बिल्कुल, बस सिर्फ विल को जो है ना यानी आपने विल और शैल को वुड में चेंज करना. लेकिन मेरी बात सुन लीजिएगा, टेंस यानी पर्संस चेंज होंगे, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए ये पर्संस को चेंज करना पड़ता है. पर्सन हर सूरत में चेंज होंगे, ठीक है. सिर्फ टेंस का चेंज करने का ये मेथड है जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है. प्लीज एक दफा देख लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं एक और चीज की तरफ जाता हूँ. आप ये समझते होंगे कि यार ये तो रूल्स इसके बहुत ज्यादा है, नो डाउट इसके बहुत ज्यादा रूल्स है, ठीक है. लेकिन पता है क्या है, ये
इट्स अ गेम ऑफ द प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस इसकी करोगे ठीक है, इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएंगे, बिल्कुल टेंस टेंस होने वाली बात नहीं है ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना ठीक है कि आपको ये जुबान याद हो जाएंगे। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके फॉर एग्जांपल बच्चे हैं जो बड़े हैं जो 9-10 में हैं, 9-10 के पेपर्स में ज्यादा आते हैं, तो प्लीज उनको भी साथ बिठाइएगा ठीक है सर। आई हैव अ बिट कंफ्यूजन सर। जी 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 जी, ये जो है सर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है सर, क्यों हम इसको यूज करते हैं और किस ओकेजन पे यूज करते हैं? हाँ देखिए ऐसे ऐसे देखिए दो तीन चीजें हैं हमेशा याद रखना कि हम जब भी बात करते हैं इंग्लिश में, जब भी बात करते हैं ठीक है, तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते करते हमारे हमारे सेंटेंस में दैट आ जाता है क्लियर। तो जब भी दैट आ जाता है, दैट आ जाता है, तो दैट के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसका टेंस भी चेंज हो जाता है ग्रामेटिकली, और उनमें जो ठीक है हाँ, और उनमें जो पर्सन होते हैं वो भी इस रूल के मुताबिक चेंज हो जाते हैं जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आपको बताया क्लियर। लेकिन चूंकि हम स्पोकन लैंग्वेज में इन चीजों का ख्याल नहीं रखते होते हैं, लेकिन जब आप रिटन लैंग्वेज करते हो, चूंकि रिटन लैंग्वेज जो होते हैं वो ग्रामेटिकल होते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें ग्रामर के हिसाब से करनी पड़ती है ठीक है, तो उस वक्त जो है ना हम इसको यूज करते हैं। पहले रीजन तो आपको ये मिल गया, आगे आपको बात समझ। दूसरी बात यह है कि देखें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ आ जाए। फर्ज करें आप मेरी क्लास में बैठे हुए हो और मैं इस किस्म का सेंटेंस बोलता हूँ, बहुत गौर से सुन लीजिएगा जी सर ठीक है। मैं आपको ये कहता हूं आप घर में होमवर्क कर लिया करें, आप घर में होमवर्क कर लिया करें, समझ आ गया अकबर? Yes. ये मैंने सेंटेंस आपके सामने डायरेक्ट बात की, आप मेरे सामने खड़े हो और मैंने आपसे बात की कि आप होमवर्क घर में कर लिया ठीक है। अब आप घर जाते हो, घर जाते हो, आप होमवर्क स्टार्ट करते हो, अम्मी अब आपको कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, समझ आ गया? आप उसे कहते हो कि सर ने कहा है कि मैं होमवर्क कर लिया करूं, मैं होमवर्क कर लिया करूं, समझ आ गया अकबर? मैंने तो आपके सामने डायरेक्ट ये कहा था कि आप आ गए आपको बात समझ, लेकिन वही मेरी बात जो है ना आप इनडायरेक्ट में उस वक्त में प्रेजेंट नहीं हो आपके अम्मी अब के सामने, आप वहां पर आप यू कहते हो कि सर ने कहा है कि मैं होमवर्क कर लिया करूं, समझ आ गया अकबर? ठीक है, तो आपने इनडायरेक्ट बात कर दी अगर आप इन मकासद के लिए ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगी। परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा यार जिसने भी यार ये चैट भेजे हुए ना, हम वेरी सारी मेरी कमजोरी ये है कि यार मैं जो आप रोमन इंग्लिश लिख लेते हो ये मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। अब मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं कोई गलत पढ़ रहा हूँ तो आप खुद ही क्लियर कीजिएगा भाई। एक सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कल किसी से बात की है और वो बात आप मुझे बताओगे तो ऑब्वियसली वो बात कल हुई थी तो पास्ट हो गया, ऐसा ही है ना, तो जब भी प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा ठीक है। यानी ये बात ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है, यानी एक तो मेरी बात है जो मैं प्रेजेंट आपके साथ कर रहा हूँ, जो मैं इस वक्त एग्जांपल बता रहा था, और आप जाकर घर में बात करते हो तो वो पास्ट में कर लेते हो, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अच्छा सब मेरे यारो दोस्तों सुन लीजिएगा, जब हम एग्जाम्पल करेंगे इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो गया ठीक है। अच्छा सर आप क्लास टेस्ट लेना प्लीज, टेस्ट से प्रैक्टिस अच्छी होगी। यार ये जरा उर्दू में बजाय इंग्लिश में लिखा करें, मुझे सही समझ यानी हाँ टेस्ट लैंग्वेज ठीक है। अब देखिए पर्सन होते हैं, मैंने आपको देखो पर्सन समझाया ना, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है आपको ये नजर आ रहे होंगे ना, इसको बहुत गौर से सुन लीजिएगा। ये देखो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी क्या कहलाते हैं, फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, मैंने आपको बात बताई थी ना ठीक है, मैं इसके साथ दोबारा लिख लेता हूँ कि आई और वी जो है ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन,
आई और वी क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। याद है आप लोगों को जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये एग्जाम्पल कर लिए थे कि आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन। अब मेरी बात गौर से सुनना यार, बहुत गौर से सुन लीजिएगा प्लीज। अगर किसी सेंटेंस में आई आता है और वो फर्स्ट पर्सन है तो आई से माई बांधता है और फिर इसके बाद मी बांधता है। इसका मतलब कि माई भी फर्स्ट पर्सन है, मी भी फर्स्ट पर्सन। समझ आ गया आपको बात? इसी तरीके से वी फर्स्ट पर्सन है और वी से बन जाता है और बन जाता है और अस बन जाता है। अगर वी फर्स्ट पर्सन है तो और भी फर्स्ट पर्सन है, अस भी फर्स्ट पर्सन है। गौर से यार याद रखना और इसको आपने रटाना है। इसको आपने क्या करना है? रटाना है। जब आप एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ आएगा। इसी तरीके से देखिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल यू जो है, वो सेकेंड पर्सन है। यू क्या है? इट्स अ सेकंड पर्सन। यू सेकंड पर्सन है तो इसका मतलब क्या है कि यू आर बी सेकंड पर्सन है। और इसके बाद सेंटेंस के किसी और पोर्शन में या तो आखिर में या मिडल में या सेंटर में दोबारा कहीं यू आता है तो फिर भी वो सेकंड पर्सन है। यहां तक बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल में समझ आनी चाहिए। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। इसी तरीके से अगर ही जो है फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन है, अगर ही जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन है। मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर ही थर्ड पर्सन है तो ही से क्या बन जाता है? हिज बन जाता है। और फिर इसके बाद क्या बन जाता है? हिम बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हिम और हिज जो है ये भी थर्ड पर्सन है। इसी तरीके से अगर शी थर्ड पर्सन है तो शी से क्या बन जाएगा? हर। और फिर आखिर में भी कहीं हर, सेंटेंस की किसी सेंटर में कहीं और पोर्शन पे फिर कभी हर आएगा तो भी थर्ड पर्सन चला है। इसके बाद दे अगर थर्ड पर्सन है, समझ आ गया? अगर दे थर्ड पर्सन है तो इससे बन जाएगा देयर बन जाएगा और इससे देम बन जाएगा। ये भी थर्ड पर्सन है। ये भी क्या है? ये भी थर्ड पर्सन है। याद है आप लोगों को यार बातें? समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको बात बताई थी कि इट भी थर्ड पर्सन है, नेम भी थर्ड पर्सन है। लेकिन चूंकि इट जो है वो इट ही रहता है, नेम भी नेम रहता है, इस वजह से मैंने उसको लिखे भी नहीं। यस, असल में चलो यार इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी बात। The more you speak, the more you understand. यार हमेशा याद रखना यार कि जो ज्यादा बोलता है ना उनकी कॉन्सेंट्रेशन इधर ही रहती है, वो ज्यादा सीखता है। बिकॉज याद रखना कि देखिए आपने बायोलॉजी थोड़ी सी पढ़ ली होगी ना, आपको अर्टीरियल सिस्टम याद होगा। दिल में दो सिस्टम है, एक है वेनस सिस्टम है, एक अर्टीरियल सिस्टम है। अर्टीरियल सिस्टम वो होता है जो दिल से साफ खून लेकर जाता है पूरे बॉडी में तकसीम करता है। ऐसी बात है तो दिल से जो आर्टरी निकलती है जुबान और माइंड के लिए वो एक ही आर्टरी है। समझा भी? अगर जुबान हिलती है तो माइंड भी जो है ना काम करता है। अदरवाइज अगर जुबान से हम बात नहीं करते हैं तो माइंड जो है ना कहीं और चले जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हमारी लूज हो जाती है। ठीक है। अच्छा सर, यू सेड द थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज। यस, ठीक है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते है। लेकिन ये जो है ना, ही भी थर्ड पर्सन है, उससे कभी हिज या हिम बन जाता है, वो भी थर्ड पर्सन है। शी थर्ड पर्सन है तो हर और हर भी थर्ड पर्सन है। दे थर्ड पर्सन है तो देयर और देम जो है ना ये भी इन्हीं से बने हुए हैं। आप यार प्रोनाउन तो हमने पढ़ लिए थे ना यार, ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होंगे। ठीक है। सो मैंने आपको बात बताई, सॉरी रिमाइंड, द मोर यू स्पीक द मोर यू अंडरस्टैंड। जितना हम ज्यादा जो है ना बोलते हैं, ठीक है, उतने ही क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल यानी उसी वक्त हमारा माइंड जो है ना वो उसी उधर ही प्रेजेंट रहता है। थैंक यू वेरी मच यार। ठीक है, अब इसको भी आप प्लीज एक दफा जो है ना पढ़ लीजिएगा। और इसको मैं आपको बताऊं यार, प्लीज इस ग्राफ को रटा लीजिएगा। I, my, me, we और us इस तरीके से रटा लीजिएगा। You, your, you, he, his, him, she, her, her, they, their, them। Clear? इसको रटा लीजिएगा। Because आगे जो हम example करेंगे ना, ठीक है, तो वो इसी graph के मुताबिक होंगे, वो इसी graph के मुताबिक हम change करते रहेंगे। Clear? Yes, इसको please एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर मैं example। It का क्या बताया सर? It होगा सर। हाँ, इट जो है वो चेंज नहीं होता। अगर मैं लिख नहीं होता, सेम रहता है। हाँ, क्योंकि इट भी जो थर्ड है ना, इट जो है ना, फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैंने इट लिख लिया तो ये जो है ना, फॉर एग्जांपल इधर भी इट है, मैं इसको कॉपी करता हूँ जस्ट मिनट। ठीक है, ये इधर जो है ना, फॉर एग्जांपल इधर भी इट है,
तो इधर भी इट है और इधर भी इट है, इस वजह से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल नेम लिखता हूँ, समझ आ गया आपको, ठीक है, नेम है चाहे मेल के नेम है, फीमेल के नेम है, किसी दरख्त के, किसी आमीन जो है ना जानवर के, जिसकी भी नेम है, नेम जो है ना वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, वो तीनों जगह नेम ही आते हैं, ठीक है। लेकिन आई की जगह हम बाज वक्त मी कह देते हैं, बाज वक्त माई कह देते हैं, तो इस वजह से मैंने वो चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। ये प्लीज 2-3 मिनट्स के लिए रिवाइज करें, फिर जो है मैं एक्सरसाइज की तरफ जाता हूँ। मेरी बारी खत्म हो गई, अब तुम्हारी बारी है, अब मैं पूछूंगा और आपने अब मुझे बताना है, लेकिन प्लीज बोलते रहना ताकि मुझे पता चले कि समझ आई है या नहीं आई, ठीक है। फिर मैं जो है ना इंशाल्लाह आपके साथ 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 हम चलते रहेंगे, ठीक है, और आपको समझ आती रहेगी। यस, प्लीज जब आप 2 मिनट पढ़ लेते हो प्लीज मुझे क्या दीजिएगा फॉरवर्ड। सर क्लियर, क्लियर, वंडरफुल, आगे जाओ। ओके, चलते हैं। चल जी, तुम्हारी बारी स्टार्ट हो गई, अभी देखते हैं किसको समझ आ गए। बोलते रहना यार, ठीक है, बोलते रहना, आई होप कि आप बोलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एग्जांपल है, ये एग्जांपल अब मैं दे रहा हूँ, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। मैंने आपको बात बताई ना कि ये जो ग्राफ है, अगर आपने अपने पास कॉपी में लिख लिया तो लिख लीजिएगा, बिकॉज अब इसी का इस्तेमाल होगा, इसी के इस्तेमाल होगा। मैंने फिर आपके सामने रख लिया, जो है ना जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा, मोबाइल पे फोटो लेके ना फिर इसको ऑन रखिएगा आपने, ठीक है, प्लीज फोटो ले लीजिएगा। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यस, देखिए ये एग्जांपल्स, मैंने आपको बात बताई थी कि प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट जितना भी होगा पास्ट के उसी फॉर्म में चेंज होगा, और अगर पास्ट टेंस आ जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और अगर फ्यूचर विल आता है या शैल आता है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा, यस। अब देखिएगा जरा, पहला सेंटेंस है, नजर आ रहा है आप सबको, प्लीज गौर से देखिएगा। He said, okay, he said to me, comma inverted commas begin, I am helping you, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। बहुत गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैंने यू इस्तेमाल किया, बहुत गौर से देखिएगा यार, मैं आपको दोबारा एक मिनट के लिए वापस लेकर जाता हूँ, ठीक है। यू मैंने यहाँ पर दो लिखे, मैं देखिएगा ये यू जो सेकंड पर्सन है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नजर आ रहा है, ये देखो स्टार्ट में भी यू है और आखिर में भी यू है, स्टार्ट में भी यू है और आखिर में भी यू है। अब देखिएगा, ठीक है, अब गौर से देखिएगा, ही सेड टू मी, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये तो सब्जेक्ट ही के मुताबिक चेंज हो जाएगा, याद है आपको बात, ठीक है, मैंने आपको बात बताई थी ना कि अगर फर्स्ट पर्सन आई और बी है तो वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो गए, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है, ऐसी बात है, तो ये जो आई है इसको तो हम ही के साथ चेंज करेंगे। इसके बाद यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और मैंने आपको बात बताई थी कि सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, किसके साथ चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या दिया हुआ है, मी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मी दिया हुआ है, जो मैंने कलर चेंज कर, क्लियर। तो आई को आप ही के साथ चेंज करेंगे, यू को आप मी के साथ चेंज करेंगे, और ये देखिएगा एम, ये कौन सा टेंस है, आई एम हेल्पिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये किस में चेंज हो जाएगा, वाज में चेंज हो जाएगा। तो अब देखिएगा, he said to me that, I को मैंने किसके साथ चेंज कर लिया, he के साथ, यहाँ पर मैंने he लगा दिया, क्या लगा लिया मैंने, यानी मैंने, I mean इसकी जगह he लगा दिया, clear, that he was helping me, you जो है ना second person है, ये इस me के साथ चेंज हो जाएगा, किसके साथ चेंज हो जाएगा, me के साथ, क्योंकि you second person है, वो कैसे चेंज होगा, वो I mean object के मुताबिक चेंज हो जाएगा। अब जो मैंने तुम्हें बात बतानी है वो सुन लीजिएगा, यू अगर इधर स्टार्ट में आ जाए जहां पर मैंने कर्सर रखा हुआ, जहां आई लिखा हुआ है,
अगर यहां पर आ जाते हैं तो इट मींस कि ये वो स्टार्ट वाला ये वाला यू है, क्लियर हो गया बात। और अगर सेंटेंस के किसी और हिस्से में आ जाए या सेंटेंस में आ जाए या आखिर में आ जाए तो इट मींस कि ये आखिर वाला यू है, तो इसमें इट मींस कि ये कौन सा वाला यू है, आखिर वाला यू है। अब देखें अगर ये आखिर वाला यू है और आप इसको मी के मुताबिक चेंज करोगे तो ये देखो मैं कर्सर ऊपर लेकर जा रहा हूं, देखें कर्सर यहां से सीधा ऊपर जा रहा है तो ये थर्ड लाइन में है तो थर्ड लाइन के मुताबिक चेंज हो जाएगा, यू जो है थर्ड लाइन में है और थर्ड लाइन के मुताबिक चेंज हो जाएगा। अगर आपको बात समझ, अगर यू सेंटेंस के कहीं शुरू में आता है जहां पर ये आई आया हुआ है तो इट मींस कि ये फर्स्ट लाइन वाला है और फर्स्ट लाइन के मुताबिक चेंज हो जाएगा। और अगर सेंटेंस के किसी और हिस्से में आता है या सेंटर में आता है या आखिर में आता है तो इट मींस कि ये आखिरी वाला है और ये आखिरी लाइन के मुताबिक चेंज हो जाएगा। यस, समझ आ गई। यानी ही सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू, यानी ही सेड टू मी दैट ही वाज हेल्पिंग मी। यहां तक बात समझ आ गई? यस और नो में जवाब क्या दें? यस सर, क्लियर हो गया बात? ओके, अनदर सेंटेंस को देखिएगा। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन माय पेरेंट्स विल टॉक टू यू, मेरे वालिदैन आपसे बात करेंगे। समझ आ गया आपको? देखें अब देखिए माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि नहीं। मैंने आपको बात बताई थी ना कि आई से माई भी बन जाता है मी भी बन जाता है। अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो इट मींस कि माई भी फर्स्ट पर्सन है मी भी फर्स्ट पर्सन है। आगे बात समझ में? यानी ही सेड टू मी माई पेरेंट्स विल टॉक टू यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है कि नहीं? यस, मैंने बात बताई थी ना, यू सेकेंड पर्सन है। अब देखिएगा माई जो है जो फर्स्ट पर्सन है वो तो ही के मुताबिक चेंज हो जाएगा। ही सेड टू मी दैट, ही सेड टू मी देखें दैट, अब देखो इसको तो हमने फॉर एग्जाम्पल ये ही को यानी माई को ही के साथ चेंज कर दिया, क्लियर हो गया। और मी जो है जो कि ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके साथ सेकंड पर्सन हम चेंज करेंगे। अब देखिए ही सेड टू मी दैट हिज पेरेंट्स विल टॉक टू मी, कैसे? अब देखिएगा माई जो है देखिए ये सेकंड लाइन में है, माई कौन से लाइन में है, देखिए सेकंड लाइन में है, मैं वापस आ गया। इस सेकंड लाइन में ही का सेकंड क्या है, देखो हिज है कि नहीं, यानी फर्स्ट लाइन फर्स्ट के साथ चेंज होंगे, सेकंड सेकंड के साथ चेंज होंगे, थर्ड थर्ड के साथ चेंज होंगे। यानी वहां पर मैंने माई लिखा हुआ, माई सेकंड में है तो इसी के नीचे आते जाइएगा, जहां आप ही के लाइन में पहुंच जाते हो तो ही का सेकंड क्या है, हिम है, सॉरी हिज है। समझ आ गए? तब भी मैंने यहां पर ये क्या लगाया हुआ है, दैट हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, समझ आ गया बात, ठीक है। यानी हिज पेरेंट्स, ये देखो मैंने उसको राइट किया, इसको भी राइट कर लेता हूँ, दिस हिज पेरेंट्स वुड टॉक टू मी। ये देखो यू सेकंड पर्सन है और ये सेंटेंस के आखिर में आया हुआ, इट मींस कि ये देखो ये आखिर वाला है यू है, तो तीसरी लाइन वाला है तो तीसरी लाइन में चेंज होगा। देन ठीक है, ही सेड टू मी दैट हिज पेरेंट्स वुड टॉक टू मी, क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? मेरे ख्याल में तो क्लियर होनी चाहिए। यस सर, Yes, समझ आ रही है आपको? मैंने तभी आपको बात बताई ना, ये ग्राफ आप प्लीज याद कीजिएगा, ये ग्राफ फर्स्ट लाइन फर्स्ट के साथ चेंज होगा, सेकंड लाइन के साथ चेंज होगा, थर्ड लाइन जो है ना वो थर्ड के साथ चेंज होंगे। और ये बात माइंड में लिख दीजिएगा कि यू अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो इसका मतलब क्या ये है कि ये फर्स्ट वाला यू है तो ये फर्स्ट लाइन में चेंज होगा। और अगर यू सेंटेंस के या तो आखिर में आ जाता है या सेंटेंस के सेंटर में आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि यह आखिर वाला यू है, तीसरी लाइन वाला यू है और फिर यह तीसरी लाइन में ही चेंज होगा। यस, इसके बाद देखिएगा अनदर एग्जांपल देखिएगा। शी सेड टू मी आई लाइक योर बुक्स, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई लाइक योर बुक्स, मुझे तुम्हारी किताबें अच्छी लगती है। समझ आ गई? अब देखिएगा, देखिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा और सब्जेक्ट क्या है, शी है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शी है। तो बात समझ आ रही है, क्लियर? यूर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, मैंने बात बताई थी ना कि अगर यू सेकंड पर्सन है तो यूर भी सेकंड पर्सन, जैसे बात समझ आ रही है, क्लियर। और सेकंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो कि मी है। देखिए शी सेड टू मी दैट शी लाइक्ड माय बुक्स, चूंकि देखिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैंने आपको बात बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिस तरह ये मैंने लाइक लिखा है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जिस तरह मैंने लाइक कर दिया, यानी शी सेड टू मी दैट शी लाइक्ड माय बुक, यानी ये जो आई मीन ठीक है आई है इसको मैंने शी के साथ चेंज कर दिया, इसकी जगह मैंने शी लगा लिया, और यूअर जो है जो सेकंड पर्सन है वो मी के साथ मैंने चेंज कर दिया, उसकी जगह मैंने माई लगा लिया। क्यों मैंने माई लगा लिया? बिकॉज देखना ये देखो यूअर सेकंड लाइन में है, सेकंड लाइन वाले सेकंड के साथ चेंज होंगे और वहां पर आई का क्या बना हुआ है, माई लगा हुआ है। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, इस तरीके से यार आपको ये चेंज करने पड़ते हैं। यस, क्लियर हो रही है? थोड़ी बहुत समझ आ रही है? यस सर, यस। Another example लिखिएगा, ये practice से होगा सब कुछ, ठीक है? अब देखिएगा, she said to me, we always like to go with you. अब देखिए, हमेशा याद रखना कि पहले तो आपको person का पता होना चाहिए कि कौन कौन से person है जो आपने change करना। फिर दूसरी बात ये कि आप sentence में tense देखा करें कि कौन सा tense है और वो किस में change है। अब देखो, we first person है, फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पर दे है इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा, जो कि मी है। समझ आ गए? और इसके बाद देखिएगा, ये वी ऑलवेज लाइक टू गो विद यू, ये देखिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, लाइक। समझ आ गए? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किस में चेंज हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। अब देखिएगा, they said to me that they, we को हमने किसके साथ चेंज कर दिया? They के साथ। They always like की जगह हमने liked, क्योंकि past में चेंज कर लिया। They always like to go with me, क्योंकि you जो है वो second person है। समझ आ गया? Second person object के मुताबिक चेंज होता है। और मैंने आपको बात बताई थी कि अगर you जो है second sentence किया तो center में आ जाए या आखिर में आ जाए, तो इट मीन्स कि ये आखिर वाला यू है तीसरी लाइन वाला, और तीसरी लाइन वाला तीसरे के साथ चेंज होता है। ये देखो, यू मी के साथ चेंज होगा तो वही मी ही लगेगा। क्लियर हो रही है आपको बात? समझ आ रही है? ठीक है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूजन नजर आएगी, और वो इसलिए कि यार आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जब आप इन चीजों को दोबारा करते हो तो डेफिनेटली यार वो होता है। क्लियर हो गया आपको बात? यस, अनदर एग्जांपल देखिए। Another example. ठीक है, the teacher said to me, you have performed your duty well. The teacher said to me, teacher ने मुझे कहा, you have performed your duty well. अब देखो, एक तो you आया हुआ है जो second person, ऐसी बात है। दूसरा you are आया हुआ है जो कि वो भी second person, ऐसी बात है। और इसके बाद है have लगा हुआ जो कि present perfect tense है। Have किस में चेंज हो जाएगा? Had में चेंज हो जाएगा। ये मैं अभी आपको ये कुछ और भी लिखकर दे देता हूँ। Clear? The teacher said to me। अब देखो, you कौन सा person है? Second person है। वो object के मुताबिक चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर object me है। और मैंने आपको बात बताई थी कि अगर you sentence के शुरू में आ जाता है, देखो ये अब शुरू में आ रहा है, reported speech के शुरू में आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये पहला यू है। ये देखो, ये वाला यू है, पहला वाला, तो ये पहले के मुताबिक यानी पहली लाइन के मुताबिक चेंज हो जाएगा। और मी जो है उसका पहला क्या होता है? आई होता है। मी किससे बना हुआ है? देखे, ये देखो, ये आई से बना हुआ है। तो इस वजह से यहां पर आप क्या लिखते हो? आई लिखते हो। द टीचर सेड टू मी दैट आई हैड परफॉर्म्ड माई ड्यूटी वेल। यूअर किस में चेंज हो गया? माई में, क्योंकि यूअर जो है देखिए ये सेकंड लाइन में है और मी का सेकंड क्या है? माई है। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, द टीचर सेड That I had performed my duty well. Teacher ने कहा कि मैंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी की थी। Yes? ये example समझ आ गए? आप प्लीज इन examples को बहुत गौर से देखिएगा यार, ठीक है, और पढ़ लीजिएगा। कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो इनशाला आपको समझ आ चुके होंगे। ठीक है, अब जब आप ये कर लेते हो, नीचे मैंने एक कप प्रैक्टिस टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन पहले आप इसको दो दफा पढ़ लीजिएगा, बहुत गौर से पढ़ लीजिएगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हो, आपको ये समझ आ रही है। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
सर एक अर्ज है सर आपसे। जी जी प्लीज प्लीज सर, ये सर डिस्कशन ग्रुप अगर सर इंग्लिश का कोई है सर हमारे विफा की तरफ से, तो सर ऑफिशियल ग्रुप में तो मैसेजिंग अलाउ नहीं है सर। तो अगर सर कोई सीआर है इस तरह का सर हमारे क्लास का, तो सर काइंडली सर मुझे ऐड करवा दीजिएगा सर उस ग्रुप में। अच्छा आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, आवाज आपकी क्लियर नहीं आई चूंकि यहाँ से वो एयरपोर्ट करीब है तो आवाज जहाज गुजर रहे थे। ठीक है, तो आवाज नहीं, दोबारा प्लीज पूछ लीजिएगा प्लीज। सर मैं कह रहा था कि सर फिफा के सर ऑफिशियल ग्रुप में तो सर मैसेजिंग अलाउ नहीं है सर। हाँ, वैसे अगर सर डिस्कशन ग्रुप इंग्लिश का सर स्टूडेंट्स ने अगर बनाया है, तो सर काइंडली मुझे उसमें ऐड करवा दीजिएगा सर सीआर से। हाँ यार सॉरी सॉरी, इस किस्म के कोई ग्रुप नहीं बने हुए, डिस्कशन वाले ग्रुप कोई नहीं बने हुए। ठीक है, आप सब अपने क्लास फेलोज मिलकर एक दूसरे के साथ ग्रुप बना लीजिएगा। ठीक है, कोई एडमिन हो जाइएगा, बेशक मुझे भी शामिल कीजिएगा, जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरे पर्सनल सेल नंबर आपके पास है, आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल प्लीज अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ लेकर जाता हूँ, और अगर आप अभी तक पढ़ रहे हो तो प्लीज जो है ना कीजिएगा, एक दफा प्लीज पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। इस प्रैक्टिस टेस्ट से पहले, चूंकि ये प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है, मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप बाद में कीजिएगा, एक मिनट में यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेता हूँ यार। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये अगर एक डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट, फिर आपने इनडायरेक्ट में करना होता है, समझ आ रही? ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ये क्यों यार रेड आ रहा है, ठीक है, अच्छी ब्लैक ना होना, ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं कहता हूं अगर इज है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल एम है, इज है या एम है, क्लियर हो गया, या फॉर एग्जाम्पल आर है, क्लियर, ये चेंज हो जाएंगे वाज, ठीक है, या वर्ब, आ गई आपको बात समझ में? ठीक है, यानी इज या एम, ये सिंगुलर है तो ये वाज में चेंज हो जाएंगे, और कहीं और आ जाए तो वो वर्ब में चेंज हो जाएगा। अगर बात समझ आ गई, क्लियर हो गई, अगर कहीं पर हैज आता है, क्लियर है, या फॉर एग्जाम्पल हैव आ जाते हैं, ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे किस चीज में, हैड में, किसमें चेंज हो जाएंगे, हेड में चेंज हो जाएंगे, क्लियर हो रही है आपको, समझ आ रही है? ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ रही है, क्लियर, अगर कहीं पर फॉर एग्जांपल या तो विल है या फॉर एग्जांपल शैल है, ये दोनों चेंज हो जाएंगे किस चीज में, वुड में, क्लियर, ठीक है, ये ख्याल रखना, छोटी छोटी बातें हैं, समझ आ रही, ठीक है। इसके अलावा ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है, जो हो रही है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पर वाज आ जाते हैं या वर आ जाता है, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है, हैड बीन में, किसमें चेंज हो जाएंगे, हैड बीन, कहीं वाज या कहीं वर आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए तो चेंज हो जाएंगे हैड बीन, या तो चेंज, समझ आ रहे है? अगर कहीं पर कैन आ जाता है, ठीक है, कैन चेंज हो जाएगा गुड में, इसमें चेंज हो जाएगा, कैन चेंज हो जाता है किस चीज में, कुड में चेंज हो जाता है, यहां तक भी समझ आ रही है, क्लियर, ठीक है, कहीं पर फॉर एग्जांपल मे आ जाता है, मे, ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं माइट, ये माइट में आ जाएगा, ठीक है, यानी मे जो है किस में चेंज हो जाएगा, माइट में आ जाएगा, जब आप इनडायरेक्ट सेंटेंस को करते हैं, यहां तक भी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको सर, ठीक है। इसके बाद कहीं पर फॉर एग्जांपल किसी डायरेक्ट सेंटेंस में दिस आ जाता है, दिस चेंज हो जाता है दैट में, दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा, क्लियर हो रही है आपको बात, समझ आ रही है, ठीक है। कहीं पर टुडे आ जाता है, टुडे चेंज हो जाएगा दैट में, यहां तक भी बात समझ आ रही है आपको, क्लियर हो रही है,
ठीक है, और अगर कहीं यस्टरडे आ जाता है, या फॉर एग्जांपल लॉस्ट डे आ जाता है, ठीक है, बल्कि इसको ऐसे ही छोड़ दें, लॉस्ट डे, अगर प्रीवियस यानी यस्टरडे आ जाता है तो इसको हम चेंज करते हैं लॉस्ट डे में, या previous प्रीवियस डे, या फिर इसको हम प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर फॉर एग्जांपल टुमारो, टुमारो आ जाता है, इसको हम चेंज करते हैं या तो नेक्स्ट डे में, ठीक है, या बाज़ का कमिंग डे, कमिंग डे में चेंज कर, ठीक है। छोटी छोटी चीजें है, कहीं पर बिफोर आ जाता है, B-E-F-O-R, बिफोर चेंज हो जाता है एगो, पहले। ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने शायद नहीं लिखी हुई थी, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। आप प्लीज इसको जो है ना समझ लीजिएगा। मैं एक मिनट, अगर मैं इसको एक स्लाइड पे लेकर आ सकता हूँ, एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये थोड़े से हो जाए, बट आई डोंट थिंक इट विल हैपन, ठीक है। एक मिनट में इसको, नहीं आएगा, मैं कंप्यूटर का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। सो एनी हाउ, बस जो कि तू रहने दे, ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। आप इसको रीड आउट कीजिएगा प्लीज, क्योंकि कमिंग सेंटेंसेस में इस किस्म की बातें आ रही है। अगर कहीं पर इज है, ठीक है, तो वो किस्म इज जो है ना, सॉरी, ठीक है, इज जो है फॉर एग्जांपल वाज में, या एम है तो वो भी वाज में, आर है तो वर में, हैज है, हैव है तो हैड बीन, हैड में, विल शैल है तो वुड में, वाज वर है तो हैड बीन में, कैन है तो कुड में चेंज हो जाएगा, में है तो माइट में हो जाएगा, दिस दैट में, ठीक है, टुडे दैट डे में, यस्टरडे लास्ट डे, और प्रीवियस डे, टुमारो नेक्स्ट डे, कमिंग डे, बिफोर एगो। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। प्लीज इसको याद कीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ठीक है, और आपके काम आने वाली चीज है ये हमेशा, यानी ये चीजें जो है आपके काम आने वाली है। तो आप प्लीज इसको एक दफा क्या कीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा। यस, रीड आउट कीजिएगा। इसके बाद ये देखिएगा, ये है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको आसान बना लेता हूँ, या आपके लिए फिलहाल मुश्किल होगा, लंबा सेंटेंस है, ठीक है, ठीक है। Yes, please. ये प्लीज आप एक दफा कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, अगर आपको पर्सन याद है, टेंस याद है कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा, इंशाल्लाह आपसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है सर। क्या फर्स्ट वन इज नेगेटिव? कोई बात नहीं यार, नेगेटिव तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। माई पेरेंट्स हैव एडवाइज मी नॉट टू स्पीक टू यू, नॉट यहां पर ही रहे, कोई ऐसी बात, चलो नॉट को अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से नॉट निकाल लें, ठीक है। स्पीक टू यू, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एडवाइस किया है कि आपके साथ बोलता रहा, कोई ऐसा इशू नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। एवरीवन, ओके, शेयर ग्रुप, यू कैन ली ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर ग्रुप डिस्कशन, ओके, ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ये प्लीज आप ये टेस्ट करते जाइएगा, और जो करते हो ना प्लीज इसको चैट में बैठते जाइएगा, ताकि मैं देख लूँ कि यार बाकी ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। मैं इसके जो है ना आपको भेज दूंगा, सॉल्यूशन भी आपको भेज दूंगा, प्लीज सर। ही सेड टू मी दैट हिज पेरेंट हैड टोल्ड हिम नॉट टू स्पीक मी। हाउ वंडरफुल यार, वंडरफुल। ही सेड टू मी दैट हिज पेरेंट्स हैड एडवाइज्ड मी, advised me, अब देखिए मेरी बात सुन लीजिएगा, sorry, advised him not to speak to me,
Yes, wonderful, wonderful. Yeah. Good. Good, very good. Appreciated the work. Good, very good. Yeah, करते जाइएगा. Wonderful. It means आप लोगों को समझ आ रहा है. Very good. Yeah. Third sentence को careful अंदाज से देखिएगा. मैंने he लिखा है, her लिखा है, फिर my लिखा है. ठीक है. Yes. और से देखते जाइएगा और करते जाइएगा. Please. ठीक है. हाँ ठीक है. विच ही हैड डन फॉर हिम, जो मैंने आगे सेंटेंस को थोड़ा सा मिटा दिया था, मैंने सोचा लंबा सेंटेंस है. गुड, वेरी गुड. ठीक है, लेकिन हैव नहीं रहेगा. विच ही हैड, चूंकि मैंने आपको ऊपर ये बात बता दी ना कि हैज एंड हैव जो है ना वो हैड में चेंज हो जाएंगे. सर ये डन वाला है भी हेड में चेंज होगा सर जी. जैसे एक फॉर हर एंड फॉर हिम. यस प्लीज, आप कौन सी को बात कर, सेंटेंस नंबर बता दिया जी. किसी ने जो फोर्थ वाला, अच्छा, शी सेड टू मी आई हैव अप्रिशिएटेड द वर्क. ही सेड टू मी दैट ही हैड अप्रिशिएटेड द वर्क. यस ओके ओके ठीक है. वंडरफुल. आगे सर ये और लिखा हुआ है सर. आपकी आवाज ब्लॉक हो रही है, पता नहीं माइक का इशू है. एनीहाउ, अब अगर एक नहीं हुआ छोड़ दो उसको, कोई इस बात नहीं, बाकी करते जाइएगा, कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा. लेकिन मुझे लग रहा है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्योंकि वो आपने सेंटेंस चेक किया हुआ था. यस प्लीज, आगे करते जाइएगा. यहाँ पर एक मैं इसको चेंज करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा. ये वाली बात अभी मैंने बताई नहीं आपको. आई गाइड, मैंने बी की जगह आई कर दिया. यहाँ पर जो है ना इसको भी आई कर लेता हूँ. ये वाला कंसेप्ट अभी मैंने बताया नहीं है इस वजह से. यस प्लीज करते जाइएगा. अगर आपने ये एक्सरसाइज की ना, इट मींस कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. रिमेम्बर, इसके बहुत सारे टाइप्स है यार. ठीक है, इसी प्रैक्टिस से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो इट मींस कि आप बाकी टाइप्स आसानी से कर लोगे. बिकॉज ये जनरल है, टाइप्स जो भी आएंगे रूल्स रेगुलेशन नहीं रहेंगे, रूल्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. नहीं, गलत है यार.
she could improve her studies. नहीं देखिए यार, you कौन सा number 10 की बात कर रहा हूँ जिसने भेजे हुए हैं, you first, you second person है, second person तो object के मुताबिक, me के मुताबिक change होगा, she के साथ तो नहीं होगा। इसी तरह your second person है, वो भी second person है, ये भी me के मुताबिक ही change होगा। दोबारा कीजिएगा, यानी me के साथ change कीजिए। Yeah, good, good. हाँ ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने, हर सिस्टर नहीं होगा, यहाँ शी तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, हर भी चेंज नहीं होगा, ये भी ठीक है, लेकिन माई देखे, माई कौन सा पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक, और सब्जेक्ट क्या है, ही है। मैं थर्ड सेंटेंस की बात करूं, She had talked to her teacher and his sister. क्योंकि वो ही का तो his बनेगा। Anyhow, ठीक है, लग रहा है concept बनते जा रहा है। Clear है? देखिए मेरी बात सुन लीजिएगा, नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, he said to me, I advised, अब देखो you तो आपने चेंज कर दिया मी के साथ, ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मी जो है ना वो फर्स्ट पर्सन है, ये भी तो चेंज करोगे ना, फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पर ही है, इसके साथ चेंज हो जाएगा, यूर मैंने दोबारा लिखा हुआ सेकंड पर्सन है, वो मी के मुताबिक चेंज हो जाएगा, यानी मैंने एक एक सेंटेंसेस में दो दो पर्सन दिए, यू भी चेंज करोगे, मी भी चेंज करोगे, यूर भी चेंज करोगे, बाकी आपने एडवाइस को एडवाइस कर दिया, वो अच्छी बात है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस ऑफ प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस जो है ना वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। एक मिनट, ये कहां पर है, अप्रिशिएट थिंग्स फॉर हर एंड फॉर दिस वंडरफुल, यस गुड, नंबर 4 आपने ठीक किया जी, प्लीज जिसके बाद ये चैट आ रहे हैं आपके, ये किसके हैं, शी ही सेड टू मी दैट ही ऑलवेज टॉट मी एंड आई, एक मिनट नंबर 6 में देखता हूँ, अब देखिएगा यहाँ थोड़ी सी अपने गलती की, he said to me that I always, ये I को ही से change कर दिया, he always thought me and them, ये देखो them कौन सा person है, ये third person है, किससे निकला हुआ है, they से निकला हुआ है, याद है आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए मेरी मेरी बात लिखी हुई है, they them, अगर they third person है तो them भी third person है, और मैंने आपको बात बताई थी कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं, तो ऐसा हो जाएगा, ही ऑलवेज थॉट मी एंड देम, देम चेंज नहीं होगा क्योंकि देम थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते, बाकी आपने आई और यू को सही चेंज किया था, यस गुड वेरी गुड, इट मींस यार कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हम मजीद करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है, नंबर 6 की बात, ओके ओके गॉट इट यार, ओके ठीक है, साथ वेरी गुड, जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो मुझे बता देना, फिर तब मैंने एक और चीज आपको, एक और पॉइंट मैंने आपको समझा देने हैं, ठीक है, अगर आपको समझ आ जाते हैं, होप इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें अब तक आपको समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह।
ये कौन सा माय पेरेंट्स से मतलब एक मिनट कौन सा सेंटेंस है ये पूछे एक मिनट अल्लाह हम दिया सेट यस अब देखिएगा देखिए टेंस को तो आप पास में चेंज करोगे ना कंटीन्यूअस में तो नहीं करोगे ना I'm the asset of my parents and your family. तो यहाँ I तो she के साथ आपने सही चेंज किया है. My को आपने सही चेंज किया हर यानी the she was the asset of her parents and my family. क्योंकि you are जो है वो second person है वो me के साथ चेंज हो जाएगा. ठीक है बहुत वेरी गुड यार ठीक है प्रैक्टिस करते जाएगा सॉरी सर बल्कि कोई सी बात नहीं है यार ठीक है सर did you have the solution? हाँ मैं अभी आपके सामने जो है ना वो कर लेता हूँ ठीक है वो अभी इंशाल्लाह आपको मैं साथ साथ इतना स्टार्ट कर लेता हूँ ठीक है साथ साथ पीस करते जाइएगा ठीक है मैं ये मैं सलूशन आपको जनरल कर दे देता हूँ ठीक है ये सेंटेंस नंबर कौन सा है यार ठीक है टीचर सा लिख लिया करेंगे ठीक है When वाला पता नहीं कौन सा सेंटेंस आपने लिखा हुआ है I got it ठीक है five अच्छा मैं five को देख लेता हूँ teacher said to me I guide you ये तो यार सेंटेंस में तो वर्ड वाली बात नहीं है ठीक है I first person है तो वो टीचर के साथ चेंज हो जाएगा टीचर आप ही भी ले सकते हो शी भी ले सकते हो तो इसको आप ही समझ लीजिएगा यू सेकंड पर्सन है बी के साथ चेंज हो जाएगा क्लियर तो आपने नहीं ठीक किया शी सेड टू मी शी कुड इम्प्रूव माय स्टडीज अब देखो जब कुड लग कैन चेंज हो जाता है ना तो उसके बाद इम्प्रूव नहीं होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा ये अब कौन सा फैसल बलोच कौन सा सेंटेंस है शी कुड इम्प्रूव हर माय स्टडीज सर ये लास्ट वाला सेंटेंस है सर अच्छा ओके यस मैं समझ गया देखिए यू तो आपने मी के साथ चेंज कर दिया ठीक है आई कैन कुड में चेंज हो जाएगा तो जब कैन कुड आपने चेंज कर दिया तो इसके बाद दोबारा इम्प्रूव्ड नहीं होगा क्योंकि कुड जो है वो खुद पास्ट टेंस है समझ आ गया मैं आपको मतलब समझ गया आप कहते हो ना कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे तो इसी तरह कैन प्रेजेंट या कुड इसका पास्ट फॉर्म शी कुड इम्प्रूव ठीक है यानी फॉर एग्जाम्पल आई शी सेड टू मी I could improve my studies. बिल्कुल ठीक है सही है अब देखिएगा आप साथ करते जाइएगा प्लीज मैं जो है फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन आपको भेज रहा हूँ प्लीज ठीक है ये देख लीजिएगा ये सेट टू मी एक मिनट में यहाँ से थोड़ी थोड़ी कॉपी उठाते जाऊं ठीक है सेट टू मी दैट ठीक है सेट टू मी ठीक है दैट अब देखिएगा माई फर्स्ट पर्सन है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ठीक है साथ चेंज हो जाएगा दैट हिज पेरेंट्स क्लियर हैड ठीक है एडवाइज्ड हिम ठीक है टू स्पीक टू मी समझ आ गया आपको ठीक है एक मिनट चैट आ गया मैं चैट पढ़ लू ठीक है सर कैन फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है नो 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 ना ना कैन तो पॉसिबिलिटी है वो तो हम नाउन कहते हैं ना हो सकता है जहां हम सकने की बात करते हैं ना ठीक है तो उस चीज के लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर का जो है ना हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल और शैल फिर शी टोल्ड ना शी सेड टू मी दैट हिज पेरेंट्स हैड एडवाइज्ड हिम टू स्पीक टू मी यहां तक बात समझ आ गई आपको ठीक है इसके बाद है ठीक है नंबर टू है ठीक है आप देखिएगा ही सेड टू मी यस ठीक है आई हैव अप्रिशिएटेड द वर्क ठीक है आप देखिएगा दैट he had appreciated the verb clear chunki I first person hai to wo subject he ke sath change ho jayega clear aur have laga hua have jo hai wo head mein change ho jayega maine aapko baat batayi theek hai iske baad third hai theek hai he said to me yani he said to me clear that ho jayega ab dekhiyega she has talked to her teacher and my sister अब देखो शी थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा ठीक है देखिए दैट शी हैड ठीक है लिखा हुआ है टॉक्ड टू आवर टीचर एंड ठीक है हिज सिस्टर समझ आ गया आपको बात ठीक है एक मिनट फिर किसी की कुछ चेट आई है ठीक है काइंडली ये बता दे नंबर टेंस सेंटेंस को पास्ट टेंस में
क्यों चेंज नहीं किया? इसलिए देखें कि कैन जो है कैन, ये देखो मैं नंबर 10 सेंटेंस की बात कर रहा हूं, कैन प्रेजेंट टेंस, और कैन को हम किस में चेंज करते हैं, कुड में, इसका मतलब कि ये पास्ट हो गया। फिर इसके बाद कुड के साथ इंप्रूव की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, क्योंकि कैन प्रेजेंट है और इसका कुड पास्ट टेंस है। जब आपने कैन को कुड में कर लिया तो इट मींस कि आपने पास्ट टेंस बना लिया, क्लियर? इसके बाद जी दोबारा टेंस चैट है, ठीक है, ओके, थैंक यू मच यार, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 देखिएगा, ठीक है, साथ साथ आप खुद भी करते जाइएगा, मैच करते जाइएगा। यानी शी सेड टू मी, यानी शी सेड, ठीक है, शी सेड टू मी, क्लियर दैट। अब देखते रहिए नंबर 4 की बात कर रहा हूं, यू सेकंड पर्सन है, आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, दैट आई परचेज थैंक्स, ठीक है, दैट आई परचेज थैंक्स, मैंने पास में कर दिया, समझ आ गए, फॉर हर एंड फॉर हिम, फॉर हर एंड फॉर हिम, आई परचेज थैंक्स फॉर हर एंड फॉर हिम, क्लियर है। नंबर 5 को अगर हम देखते हैं, ठीक है, नंबर 5 देख लीजिएगा, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझे कहा, द टीचर यानी द टीचर सेड टू मी दैट, ठीक है, आई गाइड यू, ठीक है, दैट ही गाइडेड मी, समझ आ रही, ठीक है। नंबर 6 देख लीजिएगा, ठीक है, यानी नंबर 6, ठीक है, he said to me, he, ठीक है, he said to me, commas, what comes with that, ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, number 6 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, I always teach you and them, I first person है तो he के साथ change हो जाएगा, you second person है, me के साथ change, ठीक है, that he always, ठीक है, taught me, that he always taught me, ठीक है, and them, मैंने आपको बात बताई ना कि them third person है, वो change नहीं होगा, clear? Number 7 की बात करते हैं, ठीक है, he said to me, यानी number 7 में है, he said to me, come and what come, I love our country, इसको जो है ना, for example, मैं my कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला concept अभी बताया नहीं, and your sweet home, ठीक है, अब देखिएगा, that, ठीक है, देखें, that, he loved his country, that he loved his country and my sweet home, ठीक है, क्योंकि your जो है वो second person है, वो me के साथ change हो जाएगा जी। फिर साथ साथ check भी देखते हैं, sir you are doing it, ये मैं add कर रहा हूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ, अच्छा सॉरी, ठीक है, चलो इसी को जो है ना 8 का नंबर दे देते हैं, ठीक है, बल्कि इधर से इसको जो है ना, चलो काट लेते हैं, ठीक है, काट कर लेते हैं ये, एक मिनट, ठीक है, अब नंबर 7 यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, ही सेड टू मी, देखिए ये नंबर 7 में क्या है, ही सेड टू मी, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्पीकिंग, ठीक है, कॉमर्स वर्क, ठीक है, दैट दैट हो जाएगा, ठीक है, देखो यू एडवाइज मी एंड योर ब्रदर, मी सेकंड पर्सन है, यानी यू सेकंड पर्सन है, मी के साथ हो जाएगा, यूर मी जो है ना फर्स्ट पर्सन है, ही के साथ चेंज हो जाएगा, यूर सेकंड पर्सन है, मी के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, दैट, ठीक है, आई एडवाइज, ठीक है, आई एडवाइज हिम एंड माय brother, I advised him and my brother, यहाँ तक बात समझ आ गई, I hope कि इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी बातें, ठीक है। नंबर सेंटेंस 9 पे हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, नंबर 9 की बात कर रहे हैं, ठीक है, देखिए, she said to me, ठीक है, नंबर 9 है, she said to me, ये तो यहाँ से कॉपी उठा लीजिएगा, ठीक है, said to me that, clear? अब देखिएगा, I am the asset of my parents and your family. I first person है, she के साथ change हो जाएगा, my first person है, she के साथ change हो जाएगा, your first person है, ना sorry second person है, me के साथ change हो जाएगा, ठीक है, that she was the
एसेट ऑफ, ठीक है, हर पेरेंट्स एंड माय फैमिली, शी इज एसेट ऑफ हर पेरेंट्स एंड माय फैमिली। यहां तक बात क्लियर हो रही है? यस। एंड देन द लास्ट वन यू कैन से, ठीक है, आप इसको ये कह दीजिएगा, शी सेड टू मी, ही सेड टू मी दैट, ठीक है, यू कैन इंप्रूव योर स्टडीज, ठीक है, शी सेड टू मी दैट आई कुड इंप्रूव माय स्टडीज, आई कुड इंप्रूव माय स्टडीज, मैं अपनी स्टडीज इंप्रूव कर सकता। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, ये इनके क्या है, ये इनके सॉल्यूशंस है। आप प्लीज इन सॉल्यूशंस को बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है, मैं आपको जो है ना ये देखिएगा, एक स्लाइड आपके सामने है बिल्कुल, ठीक है, आप मैच करते जाइएगा, ठीक है, जो है ना सॉल्यूशंस को, ठीक है, ऊपर भी पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद सॉल्यूशन भी पूरे गौर से देख लीजिएगा, ठीक है, लेफ्ट 6 मिनट्स। अगर हम किसी और टाइप की तरफ जाते हैं तो शायद कोई और चीज जो है ना 5-6 मिनट में नहीं हो सकेगी। क्लियर? ये भी आप देख लीजिएगा, मैं भी आपको भेजने वाला हूँ, ठीक है, आपके साथ ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो आपके लिए एडवाइस है, समझा कि जो मैं आपको अभी एडवाइस कर रहा हूँ वो ये है, ठीक है, देखते जाइएगा, ठीक है, चलो पहले ये पढ़ लें, फिर मैं आपको दोबारा एक बार बताने वाला हूँ, ठीक है, फिर आप रिज्यूम को भी देखते जाइएगा। हाउ मच ग्रामर पोर्शन इज रिमेनिंग, यार अभी तो बड़ी सारी चीजें हैं, ठीक है, परेशान ना हो, लेकिन ये कि बस ये तकरीबन आखिरी समझ लीजिएगा आप बिल्कुल, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा जो मैंने आपको बात बताई ना कि आपने जो रिवाइज करना है, प्लीज ये जो पोर्शन है ना, ये इज और एम, ये जहां पर देखे, फॉर एग्जाम्पल मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, सॉरी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप प्लीज घर में रिवाइज कीजिएगा, ताकि कल जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं दूसरी टाइप को तो आपको याद हो। इसके अलावा प्लीज ये जो पोर्शन है पर्सन वाला, ये आपको याद होना चाहिए, इसको यार ऐसे याद बैठा लीजिएगा कि बिल्कुल आप चलते फिरते भी आप सुना। क्लियर? नंबर टू हो गया। नंबर थर्ड वन, ये जो चेंज ऑफ टेंसेज है, कौन से टेंस को किस में टेंस वो करते हैं, ठीक है, हाँ मैं कर लूंगा, चलो मैं भी करने वाला हूँ, ठीक है, जो है ना ये कौन सा टेंस किस में जो है ना वो चेंज होता है, ये यार आपको याद होना चाहिए, इसको रिवाइज कीजिएगा। क्लियर? इसके अलावा ये देखिए, ये पर्सन मैंने आपको समझा दिए विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये ग्रुप है इंशाल्लाह, ठीक है सर, हमारे कोर्स कब, ये हो जाएगा, कोर्स फिक्र ना करें, क्योंकि बाकी चीजें बहुत शॉर्ट है, ठीक है, तो ये जो पर्सन हैं ये भी आप वो कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है, इंशाल्लाह टुमारो जिस वक्त क्लास होगी उसी वक्त हम जो है ना एक दूसरे के साथ वो करेंगे, बातचीत करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी, प्लीज चेक सर, जब आप ठीक है सर, काइंडली गिव योर नंबर, अच्छा लिखिएगा यार, ठीक है, लिखिएगा यार, ठीक है, 0334, ठीक है, 0334605884, 0334605884, रहमत अयाज, रहमत अयाज,
ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, और बड़े सारे चैट्स आ रहे हैं, आई एम एडिंग यू अप, ओके थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, ओके वेलकम, मुझे कोई होने का इतराज नहीं होगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, टुमारो इंशाल्लाह हम बात करेंगे, अभी हमारे पास 2 मिनट्स रहते हैं, अगर कोई बात आपने पूछनी है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, आपने यहाँ से जहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट होता है यहाँ से प्लीज आप रात भर रिवाइज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होंगे, जब हम कल करेंगे ये सोल्यूशन भी देख लीजिएगा, मैं अभी इसको जो है ना वो करता हूँ आपके साथ है, शेयर करता हूँ, यस चलो जी एक और चैट है, ठीक है, ये प्लीज ठीक है, ओके सर थैंक यू वेरी मच यार, हसन बेन को दो सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके सर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज यार, ठीक है, एक मिनट रह रहा है, किसी ने कोई बात पूछनी है प्लीज पूछ लीजिएगा, लेकिन जो मैंने आपको बात बताया ना कि इनको रिवाइज कीजिएगा प्लीज, ये जगह रिवाइज कीजिएगा ये पोर्शन, ठीक है, ताकि कल जो है हम फॉर एग्जांपल देखिएगा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के एक और टाइप है, ये देखें ये इसके बाद जो है ना फॉर एग्जांपल हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर आ जाएंगे, रूल्स रेगुलेशन वही होंगे, थोड़ा सा फर्क आएगा, पर्सन को चेंज करना, टेंस को चेंज करने के रूल जो है ना ये एग्जैक्टली वही होंगे, ठीक है, ये कोई और नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है, तो अगर कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हो, ठीक है, तो प्लीज पूछ लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ऐड कर लिया, ठीक है, और विश बेस्ट लक यार, ठीक है, टाइम इज ओवर, ठीक है, और मीटिंग भी खत्म हो रही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ यार, ठीक है, जस्ट एक किसी के चेट आ गए, ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ओके यार, अल्लाह हाफिज़, वेलकम, ठीक है, अभी मैं नोट्स जो है सेंड करता हूँ इंशाल्लाह।